Okay, so in the last lecture, we saw polarization of a dielectric inside external electric field. तो हमने क्या किया था कि हम लोगों ने नॉन पोलर या फिर पोलर डायलेक्ट्रिक मटेरियल लिया था, एंड एज यू नो अगर नॉन पोलर था तो नेट डायपोल मोमेंट जीरो होता है, लेकिन जब आप एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो तो नॉन पोलर के केस में चार्जेस के जो सेंटर्स है वो सेपरेट हो जाते हैं एंड दे गिव यू सम डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट आपको मिलता है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. सिमिलरली पोलर डायलेक्ट्रिक के केस में भी ऐसा ही होता है. तो पहले जो मॉलिक्यूल्स थे देवर रैंडमली ओरिएंटेड, तो रैंडम ओरिएंटेशन की वजह से नेट डायपोल मोमेंट जीरो था. जब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो दे गेट अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. हर एक मॉलिक्यूल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा. मतलब अब हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के पास एक नेट डायपोल मोमेंट है. तो क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल के पास डायपोल मोमेंट है तो पूरे सब्सटेंस के पास, पूरे स्लैब के पास भी डायपोल मोमेंट है. यहां तक हमने कल देखा था. लेकिन व्हाट इज हैपनिंग, सो लेट्स फर्स्ट गिव इट अ टाइटल. व्हाट इज हैपनिंग जब आप एक डायलेक्ट्रिक स्लैब को एक एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो तो क्या होता है? तो देयर इज रिडक्शन ऑफ electric field due to polarization. So reduction of electric field due to polarization of a dielectric. Of a dielectric, dielectric. So basically, होगा क्या? As you already know, इससे पहले का diagram मैंने draw नहीं किया है, मैं बता देता हूँ. इससे पहले क्या था? इससे पहले जब external electric field नहीं था, तो जब external electric field नहीं था, तो ये tiny dipoles, हर एक molecule, it was randomly oriented and random orientation की वजह से net dipole moment was zero. So because of the random orientation, there was no net dipole moment. Okay. Then when you keep this dielectric material, ये अभी polar molecule से बना हुआ है, in external electric field, क्या हो रहा है कि all these molecules are aligning in the direction of the field. इसके लिए, इसकी वजह से क्या हुआ? इसके वजह से ये हुआ, if you notice, अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे तो जो मॉलिक्यूल्स है अभी, मॉलिक्यूल्स का सारा पॉजिटिव चार्ज और मॉलिक्यूल का सारा नेगेटिव चार्ज अपोजिट फेसेस पे इंड्यूस हो गया है ना. तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का सारा पॉजिटिव चार्ज आ गया है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव 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 ऐसा आ गया है. एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर इज another electric field which is generated inside the slab. और आपको पता है electric field का direction क्या होता है, from positive to negative. तो because of the polarization, polarization की वजह से एक internal electric field generate हो गया है, उसको हम बोलेंगे E internal. और ये कब हुआ? ये external field के presence में हुआ. तो external field वहां पे था, okay? एक्सटर्नल फील्ड वाज ऑलरेडी देयर. एक्सटर्नल फील्ड ने क्या किया? एक्सटर्नल फील्ड ने पोलराइज किया. पोलराइज करने की वजह से नेट डाइपोल मोमेंट आया है मटेरियल के पास, और उसकी वजह से अपोजिट फेसेस पे चार्जेस इंड्यूस हो गए. अब तो ऑन वन फेस यू हैव पॉजिटिव चार्ज, ऑन अदर फेस यू हैव नेगेटिव चार्जेस. तो अब मटेरियल के अंदर ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया है. जब जब चार्जेस का सेपरेशन होता है तब तब इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर डायपोल मोमेंट डेवलप होता है. तो यहाँ पे एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया है जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है. मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रिडक्शन हो रहा है इनसाइड द मटेरियल. सो इनसाइड द मटेरियल देयर इज रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड.
So net electric field inside the material is external field E external minus E internal. तो मटेरियल के अंदर उस स्लैब के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक्सटर्नल माइनस इंटरनल है, सो देयर इज रिडक्शन, राइट। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वी जस्ट पुट इट डाउन पॉइंट बाय पॉइंट। ओके, तो क्या हुआ मैं एक बार वापस समझा देता हूँ एंड देन वी कैन गो अहेड एंड राइट डाउन अबाउट दिस। तो ऐसा था, जब तक आपके पास एक्सटर्नल फील्ड नहीं था तब तक ये सारे के सारे टाइनी डायपोल्स, ये सारे के सारे टाइनी डायपोल्स दे वर रैंडमली ओरिएंटेड। तो दिस टाइनी डायपोल्स वेर रैंडमली ओरिएंटेड, इनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं था, सो दे वर रैंडमली ओरिएंटेड समथिंग लाइक दिस। मान तो रैंडम ओरिएंटेशन है, ओके। जैसे ही हमने एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो सारे के सारे टाइनी डायपोल्स दे स्टार्टेड अलाइनिंग देमसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइनमेंट हुआ है तो इफ यू नोटिस सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस जो है वो एक फेज की तरफ चले गए और नेगेटिव चार्जेस जो है वो दूसरे फेज की तरफ चले गए, मतलब देयर आर इंड्यूस्ड चार्जेस। नाउ तो अब मटेरियल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया है जो एक्सटर्नल फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब इन ऑल वहां पे मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इफेक्टिव फील्ड इज लेस इनसाइड, ऐसा है। ओके, सो दिस इज व्हाट यू मस्ट नो। तो बहुत सिंपल सा केस है। सो व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक, अब ये डायलेक्ट्रिक पोलर या नॉन पोलर दोनों ही चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। सो व्हेन अ डायलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, द वैल्यू of the field inside the dielectric is less than the external field. ओके, इजी है। सो व्हेन यू हैव अ डाइलेक्ट्रिक व्हिच इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ फील्ड इनसाइड इज लेस। क्यों लेस, तो अभी हम देखेंगे व्हाई इट इज हैपनिंग। सो कंसीडर अ रेक्टेंगुलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस्ड इन a uniform external electric field. External electric field uniform होनी चाहिए, same value at all the points, same direction at all the points. Placed in an uniform external electric field. Let us call it as E external. Okay, let's call this E external, right? Then क्या होगा, as you know, ये जो external field है ये सारे के सारे molecules को align कर देता है, so this external electric field aligns, tends to align the charges inside the dielectric in the direction of the field.
ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो है, चार्जेस जो है वो अलाइन हो गए. बिकॉज ऑफ दिस अलाइनमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ द अलाइनमेंट ऑफ द डाइपोल मोमेंट्स there is accumulation of positive charges. एक फेज पे पॉजिटिव चार्जेस, दूसरे फेज पे नेगेटिव चार्जेस. There is accumulation of positive charges on the right side. हमारे फिगर के हिसाब से भी राइट साइड पे है, तो on the right side and negative charges on the left side and negative charges on the left. Okay, तो इतना अगर पता है, and if you know कि whenever there is separation of positive and negative charges, whenever there is separation of positive and negative charges, you have electric field. तो यहाँ पे भी एक internal electric field develop हो जाएगा. That's something you need to know. So easy here. So this induced charges on the two faces of dielectric produces internal electric field. These induced charges on the two faces of the dielectric produces an internal, ये important है, an internal electric field which you call as E internal. Okay, this electric field is opposite to the external field and it weakens the external field. Okay, so this electric field is opposite to that of the external field and external field, and hence it weakens the external field. The external field. Okay. Therefore, as you know, net electric field inside is, therefore, net electric field inside the dielectric is given by, inside the dielectric is given by, you have E net equal to E external minus E internal. ऐसे आएगा वो, right? Simple. अगर आपको सिर्फ magnitude में लिखना है, you don't want to write down direction. So magnitude wise you can also write. You can write down magnitude wise. So magnitude wise you have net electric field as just E external minus E internal. That's it. So that is all about dielectrics. इतना हमको पता होना चाहिए dielectrics का, और क्यों पता होना चाहिए. Now we are going to connect this to the real life situation. क्योंकि आपको पता है, आप जब आपका cell phone charge करते हो, mobile phone मतलब, सेल फोन क्यों बोलते हैं क्योंकि उसमें सेल होता है. मोबाइल फोन क्यों बोलते हैं, उसको लेके कहीं भी जा सकते हो, मोबाइल होता है.
या फिर आप जब लैपटॉप के बैटरी चार्ज करते हो राइट, उसमें होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, और कभी कभी हमको कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालना पड़ सकता है। इसलिए डाइलेक्ट्रिक कैसे वर्क करता है, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक, ये सब पता होना चाहिए आपको। दैट इज व्हाई वी लर्न डाइलेक्ट्रिक। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैपेसिटर्स। एंड कैपेसिटेंस, तो पहले हम देखेंगे कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस क्या है। एंड वंस वी नो व्हाट आर कैपेसिटर्स, व्हाट इज कैपेसिटेंस, वी विल लुक एट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ बेसिक, वेरी वेरी बेसिक, हमको बेसिक से ही आगे जाना है। तो वॉट इज कैपेसिटर, बहुत सिंपल सा डिवाइस है। आपके पास दो कंडक्टर्स है, दैट्स इट, दिस इज अ कैपेसिटर। कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर और अ डाइलेक्ट्रिक। तो ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, हम दो कंडक्टर लेते हैं। मैं डिटेल में बाद में जाऊंगा इसकी, आई विल टेल यू इन डिटेल, बट अभी समझ लो कि हम पहले एक ही प्लेट लेते हैं। सो वी हैव अ सिंगल प्लेट अर्लियर, ओके राइट, फिर हमने एक दूसरा प्लेट लिया, सो नाउ वी हैव अनदर प्लेट। हमने एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट कर दिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस कर लेगा राइट। मतलब वी आर पुटिंग पॉजिटिव चार्ज ऑन वन प्लेट ऑफ वन ऑफ द टू प्लेट्स, दो में से एक कंडक्टर पे हमने पॉजिटिव चार्ज डाल दिया, तो दूसरे प्लेट पे ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। वो कैसे होगा वो हम देखेंगे, वी विल लुक इनटू डिटेल्स ऑफ इट। फिलहाल तो कैपेसिटर क्या है वहां से स्टार्ट करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कहाँ से आए, कैसे आए, वी विल लुक इनटू एवरीथिंग। व्हाट इज कैपेसिटर, कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स हैविंग इक्वल बट अपोजिट चार्जेस, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट, मतलब एक पे प्लस क्यू चार्ज है तो दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज है, सेपरेटेड बाय इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक। तो सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज कैपेसिटर। So let us just go through some basics today. Capacitor. क्या है capacitor? It is a system consisting of two conductors. So capacitor is a system consisting of two conductors having equal and opposite charges, having equal and opposite charges separated by equal and opposite charges separated by an insulator or dielectric. Simple, simple, simple. अब ऐसा है, यू मे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, उसकी बात हम बाद में करेंगे, बट मैं जस्ट सब आइडिया देता हूँ। आप आपको पता होगा जब आपके फैन का स्पीड कम हो जाता है, ये समटाइम्स फैन नहीं भी चलता है, तो जो रिपेयर करने वाला आएगा वो बोलेगा कंडेंसर गया है, कंडेंसर लगे ना कैपेसिटर। सिर्फ डिफरेंस क्या है, फिर यहाँ पे हमने दो प्लेट्स पैरेलल लिए हैं, देयर आर टू प्लेट्स जस्ट लाइक दिस, यू हैव टू प्लेट्स
This becomes a parallel plate capacitor. दो parallel plates है, इसको बोलते हैं parallel plate capacitor. और ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पास दो cylinders है, तो उसको हम बोलेंगे ये cylindrical capacitors होते हैं. यही होता है condenser. So condenser is nothing but if you see sometimes अगर खराब condenser आपको मिलेगा तो देखना उसमें you have cylindrical shape. तो ऐसा भी हो सकता है, spherical shape भी हो सकता है. You may have one conductor and then concentric another sphere. तो spherical भी हो सकते हैं capacitor. So but in general capacitor can be of any shape. It can be parallel plate capacitor. It can be cylindrical shape. It can be spherical shape. But these are two conductors having equal and opposite charges. And उन दो प्लेट्स के बीच में, उन दो कंडक्टर्स स्फेरिकल कंडक्टर्स के बीच में, उन दो सिलेंड्रिकल कंडक्टर्स के बीच में इंसुलेटर या डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस हमने रखा है, राइट? गुड. नाउ लेट्स डिफाइन व्हाट इज कैपेसिटेंस. व्हाट इज कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस के दो डेफिनेशन है, एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है, एक थियोरेटिकल है. तो कैपेसिटेंस बेसिकली इज द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी. ओके. और दूसरा है कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस. क्योंकि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, दोनों में से किसी भी एक प्लेट के चार्ज का मैग्नीट्यूड मतलब मॉड लो डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस. क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल है ऑब्वियसली. ऑब्वियसली एक चार्ज एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है उसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, दूसरे चार्ज दूसरे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है उसका पोटेंशियल नेगेटिव होगा. सो कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन ऑफ द प्लेट्स टू दैट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स. तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गया आपका कैपेसिटेंस का. तो हम ये भी लिख लेंगे. सो वी विल नोट दिस डाउन. तो सिंपल है कैपेसिटेंस. So how do you define capacitance? Easy. So the capacitance of a capacitor is the ratio of magnitude of charge on either of conductors to the magnitude of potential difference between them. Simple. Therefore, you have C is equal to Q by V. As I told you, alternate definition is in terms of energy, ability of a capacitor to store electrical charge and electrical potential energy is called as capacitance. अगर आपको याद होगा, इसलिए हमने potential energy बहुत detail में लिया था. We have taken potential energy in extreme details. If you remember, जब हम पहले चार्ज को ला रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ऑफ कोर्स पॉजिटिव चार्ज है, तो हम जब पॉजिटिव पहले पॉजिटिव चार्ज को Q1 को यहाँ पे हम ला के इस प्लेट पे डिपॉजिट कर रहे हैं तो नो वर्क इज डन. ओके. फिर हमने दूसरे पॉजिटिव चार्ज Q2 को लाया और हम इसको इस प्लेट पे डिपॉजिट कर रहे हैं. वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट एंड दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. हम तीसरे पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं और इस तीसरे पॉजिटिव चार्ज को हम इस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे Q1 और Q2 दोनों ही अपोज कर रहे थे. तो वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द पोटेंशियल ऑफ Q1 एंड Q2 एंड दैट एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. जब आप चौथे चार्ज को लाओगे तो भी पोटेंशियल एनर्जी होगा, सो ऑन सो फोर्थ. तो ये सारा पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि ये वर्क डन है, वर्क डन कहाँ गया, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, क्योंकि वो चार्ज भी तो स्टोर कर ही रहा है, साथ में जो चार्ज आ रहा है तो चार्ज को लाने के लिए तो वर्क डन भी करना पड़ रहा है. वो वर्क डन स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी.
So the ability of a capacitor to store electrical charge and electrical potential energy is called as capacitance. Simple sa concept hai. So the ability of a capacitor to store an electric charge and electrical potential energy is called as capacitance of a capacitor. Right? So बहुत basic है. अब going back to 11th standard, अगर आपको याद है पहला ही chapter, units and dimensions, हर एक physical quantity का एक specific unit होता है, उसके dimensions होते हैं. जैसे length हम meter में measure करते हैं, time हम second में measure करते हैं, so on so forth. तो वैसे ही capacitance हम farad में measure करेंगे. Farad, it is farad and denoted by F, symbol is F. तो ये one farad मतलब कितना? तो one farad मतलब कितना? Let's see how much is one farad. What was capacitor? Capacitor क्या था? Capacitor दो plates थे, conductors थे. एक पे positive charge है, एक पे negative charge है. इन दोनों में potential difference है. मान लो, मान लेते हैं हम, just assume कि 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लेते हैं. जनरल यू कैन टेक 12, 13, 15, जो नंबर आपको पसंद है वो. अब अगर मैंने वन ऑफ द प्लेट्स पे 1 कूलम का चार्ज डाल दिया, आई एम एडिंग चार्ज. इफ आई इंक्रीज द चार्ज बाय 1 कूलम, और अगर इस 1 कूलम चार्ज ने पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट से बढ़ा दिया, 10 का 11 कर दिया, राइट? करेक्ट. सो दैट इज डिफाइंड एज 1 फैराड. सो अ कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 1 फैराड इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेस बाय 1 वोल्ट व्हेन +1 कूलम चार्ज इज एडेड और इज इंक्रीज्ड. तो सिंपल डेफिनेशन है, दो प्लेट्स थे, चार्ज दोनों पे था, इक्वल चार्ज था, बट एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस था. अब मैंने 1 कूलम का चार्ज इंक्रीज किया, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी अगर 1 वोल्ट से बढ़ गया तो हम बोलेंगे 1 फैराड कैपेसिटी का कैपेसिटर. तो सिंपल सा डेफिनेशन है. सो लेट्स नोट इट डाउन. तो हाउ मच इज 1 फैराड बाय डेफिनेशन? इज सिंपल, वेरी सिंपल, क्योंकि 1 फैराड ये ऐसा यूनिट है कैपेसिटेंस का. तो पहले मैं वो नोट डाउन कर देता हूं. द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज 1 फैराड. 1 फैराड डिनोटेड बाय कैपिटल F. Now let us define how much is 1 farad. Okay, so a capacitor has a capacitance of, has a capacitance of 1 farad if the potential difference across it, matlab across the plates, across it rises by 1 volt when 1 कूलम ऑफ चार्ज
is given to it. Is given to it. Therefore, 1 farad, 1 F is 1 coulomb upon 1 volt. Okay, right? So this is what you have. लेकिन normally क्या होता है? Farad ये बहुत बड़ा unit है. जैसे आपको अगर एक पेज पे दो पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना हो तो आप नॉर्मली सेंटीमीटर में मेजर करते हो, किलोमीटर में नहीं करते ना हम लोग. क्यों नहीं करते? क्योंकि किलोमीटर बहुत बड़ा यूनिट है, एक्सट्रीमली बिग. ओके, तो सिमिलरली 1 farad भी बहुत बड़ा यूनिट है. तो हम नॉर्मली कैपेसिटेंस मेजर करते हैं माइक्रो फैरड में, नैनो फैरड में, पीको फैरड में, सो ऑन सो फोर्थ. So 1 farad is a big unit, and hence we use 1 F is a big unit, and hence we use 1 microfarad, which is 10^-6 farad, 1 nanofarad, which is 10^-9 farad. 1 picofarad, so on so forth. 1 picofarad, that is 10^-12 farad, and so on so forth. So this is how you use unit of this physical quantity, it is capacitance. Okay, so ye aa gaya 1 picofarad, right? So, अब हमको देखना है कि एग्जैक्टली कौन से प्रिंसिपल पे ये कैपेसिटर वर्क करता है. तो आई विल गो बैक लिटिल बिट, व्हाट इज कैपेसिटर, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको याद नहीं कि कैपेसिटर क्या है तो आगे जाके सिंपल सिंपल टॉपिक भी डिफिकल्ट लगेगा. दो प्लेट्स, खत्म, दैट्स इट. टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय सम इंसुलेटर और डायलेक्ट्रिक. एयर भी डायलेक्ट्रिक होता है, तो दोनों में कुछ नहीं भी हुआ, एयर हुआ तो चलेगा. व्हाट इज इनसाइड द प्लेट? सेपरेशन, दो प्लेट्स है, कंडक्टर से सेपरेटेड बाय सम मटेरियल और एयर, दैट इज कैपेसिटर. अभी वो प्लेट्स पैरेलल हो, स्फेरिकल हो, सिलेंड्रिकल हो, दिस इज डिफरेंट थिंग, बाद में देखेंगे हम लोग. सो इट इज सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय इंसुलेटर और डायलेक्ट्रिक, दैट्स ऑल यू नीड टू नो. Capacitance क्या है? It is the ratio of magnitude of charge, right, on one of the plates divided by potential difference between the plates. Alternate definition क्या है? Ability of a capacitor to store electrical charge or electrical potential energy is called as capacitance. तो capacitance का unit क्या है? Farad. How much is 1 farad? अगर मैं 1 coulomb से charge बढ़ाता हूँ और अगर potential difference भी 1 volt से बढ़ गया, so then the capacitor is said to have capacitance of 1 farad. Bahut simple sa idea hai. Capacitor has a capacitance of 1 farad if the potential difference between the plates increases by 1 volt when you add 1 coulomb of charge. Good. Now, ab humko ye dekhna hai ki how, on which principle capacitor works. So principle of a capacitor, बहुत basic चीज है. मान लेते हैं हम, हमारे पास plate P1 है, मान लेते हैं this plate P1 of area A, इसका area A है, let's assume हमने इस पे positive charge deposit कर दिया, इसका कैपेसिटेंस हो गया C1 इक्वल टू Q बाय V, क्योंकि हमने पॉजिटिव Q चार्ज यहां पे डिपॉजिट किया है. अब हमने इसके पास में और एक प्लेट, सेम एरिया का प्लेट रख दिया. ओके, सो व्हाट आई विल डू इज, इट्स बेटर नॉट टू confused between the two diagrams. So anyways, हमने एक second plate रख दिया. अब plate है, plate तो conductor है, conductor के पास क्या है? Free charges है. कौन से free charges? Electrons. तो
इस साइड पे सारे के सारे फ्री चार्जेस अट्रैक्ट हो जाएंगे, जैसे यहां पे हुआ था। यू सी सारे पॉजिटिव चार्जेस एक साइड पे, सारे नेगेटिव चार्जेस दूसरे साइड पे। तो कंडक्टर के केस में भी ऐसा ही होगा, सारे फ्री नेगेटिव चार्जेस एक साइड पे और पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे आ गए यहाँ पे। दिस इज लेट्स से फिगर ए। ओके नाउ व्हाट इज हैपनिंग, जब हमने जस्ट प्लेट पी टू यहां पे रखा था तो उस केस में ये नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस्ड होने की वजह से पोटेंशियल हो गया कम। कम होगा ना, कैसे कम होगा? पहले आपके पास सिर्फ प्लेट पी वन था, मतलब सिर्फ पॉजिटिव चार्ज था। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है आपको पता है, तो देयर इज सम पोटेंशियल। सिर्फ पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, 1/4 pi epsilon 0 q/r, मतलब चार्ज पे डिपेंड करता है। तो सिर्फ पॉजिटिव पोटेंशियल था यहाँ पे। द मोमेंट आई ब्रिंग प्लेट पी टू हियर, मैंने सेकेंड कंडक्टर लाया तो जो पॉजिटिव चार्ज था पी वन का, उसने नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लिया। नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया मतलब पोटेंशियल रिड्यूस हो गया, क्योंकि P1 पे पॉजिटिव चार्ज, P2 के अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज, तो पोटेंशियल रिड्यूस हो गया। लेकिन ये अंदर का जो चार्ज है वो बाहर पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस करेगा, वापस पोटेंशियल बढ़ गया। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे? अब हम ऐसा करेंगे, यहां पे आपको पता है आप जब घर में डिवाइसेस यूज करते हो और कभी आप प्लग करने गए तो आपको करंट लगता है, आप बोलते प्रॉपर अर्थिंग नहीं है, ग्राउंडिंग नहीं है। व्हाट इज ग्राउंडिंग और अर्थिंग? जो एक्स्ट्रा चार्ज है उसको आप वहां से खींच के ग्राउंड में डाल रहे हैं। तो अगर मैंने प्लेट पी टू के बाहर के सरफेस को, अगर मैं प्लेट P2 के बाहर के सरफेस को अर्थिंग करता हूं, ग्राउंडिंग करता हूं, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये सारा का सारा गया ग्राउंड में, मतलब वापस अब पोटेंशियल रिड्यूस हो गया। तो क्या हुआ, थोड़ा सा इट्स लाइक गो राउंड एंड राउंड। पहले एक प्लेट था, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज था, पोटेंशियल था V, फिर हमने दूसरा प्लेट लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लिया, इंड्यूस कर लिया। इसको इंड्यूस करना बोलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल, इफेक्टिव पोटेंशियल कम हो गया क्योंकि पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल। फिर उस नेगेटिव ने प्लेट के बाहर के साइड पे पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस कर दिया, वापिस से पोटेंशियल बढ़ गया। गुड, फिर हमने सेकेंड प्लेट के बाहर को ग्राउंडिंग कर दिया। ग्राउंडिंग करना मतलब अर्थिंग करना, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज को ड्रेन करके, ड्रेन करना मतलब वहां से निकाल के डालना ग्राउंड के अंदर। तो पॉजिटिव चार्ज हमने ड्रेन कर दिया, वापस से पोटेंशियल कम हो गया। मान लेते हैं कि जो सेकंड प्लेट है उसका पोटेंशियल वी डैश है, जैसे पहली प्लेट का वी है वैसे सेकेंड प्लेट का वी डैश है, करेक्ट? राइट। तो अब टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी माइनस वी डैश, पहले प्लेट का V दूसरे का V डैश, लेकिन माइनस क्योंकि सेकंड प्लेट नेगेटिव चार्ज है इसलिए माइनस। तो सेकंड केस में कैपेसिटेंस क्या आएगा आपका, Q by V माइनस V डैश। यू सी मतलब क्या, मतलब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस कम कर पा रहे हैं तो हम कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, और हमको यही तो चाहिए होता है। मैंने इसलिए बोला कि डेफिनेशंस आर इंपॉर्टेंट, ability of a capacitor to store electrical charge and electrical potential energy, and capacitance is inversely proportional to potential, right? हम में से कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि मेरे सेलफोन का बैटरी 100% चार्ज होने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज हो,
नो वन विल वॉन्ट टू हैव दैट. डू वी वॉन्ट, हम चाहेंगे ऐसा कि मेरा फोन 100% चार्ज होने के लिए ज्यादा बिजली रखना चाहिए? नो वन विल से दैट. तो देखो, इसके लिए एक कैपेसिटर में दो प्लेट लगाने की वजह से क्या हुआ, क्योंकि क्या हम एक सिंगल प्लेट पे चार्ज डिपॉजिट नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, है ना. हम चार्ज को इन्वर्टर से लाए, पहली प्लेट पे डाल दिया, फिर दूसरी प्लेट, फिर दूसरा लाए, फिर तीसरा चार्ज लाए, फिर चौथा चार्ज लाए, सेम प्लेट पे डिपॉजिट करते जा रहे हैं, एनर्जी स्पेंड हो रहा है. लेकिन दो प्लेट आसपास रखने की वजह से क्या होता है? ये होता है कि पहला पॉजिटिव चार्ज लाए तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अपने आप इंड्यूस हो गया और बाहर तो ग्राउंडिंग करके रखा होता है हमने. फिर दूसरा पॉजिटिव चार्ज लाए, दूसरा नेगेटिव इंड्यूस हो गया. क्या हो रहा है, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वैसे वैसे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है, मतलब वैसे वैसे पोटेंशियल, इफेक्टिव पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल कम हो रहा है. नेट पोटेंशियल कम हुआ मतलब कैपेसिटेंस बढ़ा, कैपेसिटेंस बढ़ा मतलब एनर्जी स्टोर होना ज्यादा ईजी है हमारे लिए, राइट. तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बहुत सोफेस्टिकेटेड है, इट इज वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. क्यों? क्योंकि कैसे हम, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो कैसे हम लोग इनडायरेक्ट टेक्निक्स यूज करते हैं. देखो, अब मैं स्क्रैच से स्टार्ट करता हूँ. अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए? अल्टीमेटली हमें एनर्जी स्टोर करना है या चार्ज स्टोर करना है. क्यों करना है? क्योंकि मॉडर्न डे लाइफ में मेनी थिंग्स वर्क ऑन बैटरीज. तो अभी आपका मोबाइल फोन, सेल फोन, उसमें बैटरी होता है. मेरे पास यहाँ पे रिमोट कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल में ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है. जैसे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बाय द वे, ये सेल जिसको बोलते हो आप, ओके. सो अब मुझे इसके अंदर चार्ज स्टोर करना है, मतलब मुझे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करना है. तो आई नीड टू हैव सम मैकेनिज्म, मेरे पास ऐसा कोई डिवाइस होना चाहिए जो मेरा काम कर दे, ओके. जो पावर बैंक आप लेते हो उसमें भी वही होता है, ओके. अभी पावर बैंक में एग्जैक्टली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है कि सेल होते हैं. तो एज फार एज माय इंफॉर्मेशन इज कंसर्न्ड, एटलीस्ट जो पावर बैंक मैंने लिया था, मैंने उसको खोला तो उसमें सिलेंड्रिकल सेल्स थे. सो नाउ वी हैव अ प्लेट, लेट्स से प्लेट P1, इस पे हम पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट कर रहे हैं प्लस क्यू, ओके. तो इसका कैपेसिटेंस होगा, इनिशियल कैपेसिटेंस होगा क्यू बाय वी, वेयर क्यू इज टोटल चार्ज ऑन प्लेट P1 एंड वी इज पोटेंशियल ऑफ प्लेट P1. फिर हमने दूसरा प्लेट यहाँ पे लाया, पॉजिटिव चार्ज ने दूसरे प्लेट P2 के इनर साइड पे नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस कर लिया, ओके. तो नेगेटिव चार्ज आने की वजह से इसका नेगेटिव पोटेंशियल होगा, इसका पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, तो इफेक्टिव पोटेंशियल कम हो गया. लेकिन इस नेगेटिव चार्ज ने अपने बाहर के साइड पे, इस प्लेट के बाहर के साइड पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर दिया. अब पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होने की वजह से पोटेंशियल वापस बढ़ गया. तो हमको ऐसा नहीं चाहिए होता है, हमको पोटेंशियल कम करना है, क्योंकि कैपेसिटेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो जितना पोटेंशियल कम कर पाओगे उतना कैपेसिटेंस ज्यादा मिलेगा. तो इसलिए व्हाट वी डू इज हम कर देते हैं इसको ग्राउंडिंग. तो वी ग्राउंड दिस. अभी ग्राउंड करना मतलब यहां से चार्ज को ड्रेन करना, ओके. दिस इज फिगर है, दिस इज फिगर बी. चार्ज को ड्रेन करना मतलब पॉजिटिव चार्ज को यहां से निकाल के डाल दिया अर्थ में, अर्थिंग करना, करेक्ट. वापिस से पोटेंशियल रिड्यूस हो गया. तो इस केस में अब प्लेट P2 का पोटेंशियल V' है, जो नेगेटिव पोटेंशियल है. तो इफेक्टिव पोटेंशियल मतलब नेट पोटेंशियल ऑफ दिस टू प्लेट्स इज V-V', है ना. टोटल चार्ज तो क्यू ही लिखेंगे. क्यों लिखेंगे? क्यू क्योंकि बाय डेफिनेशन मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द, देखो बाय डेफिनेशन है वो, कैपेसिटेंस of a capacitor is the ratio of magnitude of charge on either of the conductors. दोनों में से किसी भी एक conductor पे जो charge है उसका magnitude लो, ऐसा है. So this is C2. The new capacitance is C2. So you now see
just by putting one more plate effective potential we are able to reduce, and since we are able to reduce effective potential, capacitance has increased. So this is principle of capacitor. Okay, good. So let's put this in words one by one. Bahut simple sa concept hai, extremely extremely simple concept. Okay, agar aapke hai फोन्स में बैटरी में दो प्लेट्स नहीं होते, सिंगल प्लेट होता तो फिर इट वुड हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम टू चार्ज द बैटरी, तो बहुत टाइम लग जाता, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी यूज आता उसको चार्ज करने के लिए. सो कंसिडर अ मेटल प्लेट P1 हैविंग area capital A. Let some positive charge plus Q be given to this plate P1. Okay. Let its potential be capital V. Its capacity is given by C1 equal to Q by V. This is by definition, of course. Now, consider another metal plate P2, okay, held near P1. So you are bringing that plate near P1, held near the plate P1. Okay. A negative charge will be induced on the nearer face and an equal positive charge develops on the farther face. तो जो अंदर का फेस है उसमें नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और इक्वल बाहर के फेस पे डेवलप हुआ, यही लिखने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग ऑन द फार्दर फेस, ओके, ऑफ P2 एज शोन इन फिगर बी, एज शोन इन फिगर ए, नॉट बी, एज शोन इन फिगर ए. ओके, अब ये जो इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज है, द इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज lowers the potential, the induced negative charge lowers the potential, ये potential कम करने का काम करता है, lowers the potential of P1 while the induced positive charge, raises its potential, ये potential बढ़ाने का काम करता है. Okay, now as the induced negative charge is closer to P1, of course, क्योंकि negative charge closer है तो वो ज्यादा effective होंगे. So as the induced
negative charges are closer to P1 they are more effective and thus there is net reduction in the potential of plate P1 अगर हमने आउटर सरफेस को ग्राउंड कर दिया तो फिर हमारा काम और भी इजी हो जाएगा. इफ द आउटर सरफेस ऑफ P2 इज ग्राउंडेड द इंड्यूस्ड positive charges induced positive charges on P2 will flow to earth. Okay, अब ऐसा है जो negative charges है वो तो वहीं पे है right. तो अब P2 का जो पोटेंशियल उसको वी डैश बोलते हैं. इफ वी डैश इज द पोटेंशियल ऑफ प्लेट पी टू आफ्टर ग्राउंडिंग देन द नेट पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम will be V minus V dash. Therefore, new capacitance C2 is Q upon V minus V dash. Therefore, अभी देखो क्या है कि capacitance proportional to V है. Since capacitance C is inversely proportional to V. Therefore, C2 is greater than C1. क्योंकि C1 में क्या था? C1 में नीचे सिर्फ V था और C2 में क्या है? नीचे V minus something, मतलब छोटा नंबर है. तो C2 will be greater than C1. Okay? अब इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कैपेसिटर और सिंबॉलिकली हम डिनोट करते हैं कैपेसिटर को बाय दिस. सो यू डिनोट कैपेसिटर बाय दिस पर्टिकुलर सिंबल. ओके, सो सच एन अरेंजमेंट is called as capacitor and is denoted by. ये उसका सिंबल है. दो स्ट्रेट लाइंस विथ टू टर्मिनल्स फॉर कनेक्शन. दिस इज सिंबल ऑफ कैपेसिटर. All right, so that's it for today. We will continue with more in the next lecture.